कुशीनगर जनपद के बीजेपी के हाटा विधायक पवन केडिया के भाई व प्रतिनिधि के अपर सभासद के साथ गाली गलौज और धमकी का ऑडियो वायरल का मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका परिषद हाटा के सभासद को आवास के मामले में रिश्वत लेने के लिए धमकाते सुनाई दे रहे हैं। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका परिषद का है। वार्ड नंबर 10 सभासद अर्जुन कुशवाहा सहित कई सभासद ने विधायक प्रतिनिधि अमर केडिया पर आरोप लगाया है कि विधायक हाटा के बड़े भाई हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों से रिश्वत लेने के लिए भद्दी गाली और धमकी दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद के गेट पर धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे कि हमें फोन पर गाली और धमकी दिया जा रहा है। धरने के समय कुछ लोग कार्यालय के अंदर जाकर बात रख रहे थे कि अधिशासी अधिकारी की सूचना पर पुलिस व उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार पहुंचकर हल्का बल का इस्तेमाल कराकर धरने को समाप्त कर दिया, लेकिन अपनी मांग को लेकर सभासद उग्र हो गए। उग्र सभासदों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। हमारे पास माननीय विधायक जी और केडिया के प्रतिनिधि अमर केडिया जी ने, जो हाटा विधानसभा के भाजपा से विधायक है, उनके प्रतिनिधि अमर केडिया जी ने फोन किया। बाकी आवास के नाम पे तुम पैसे ले रहे हो, ये मैं बोला सर ऐसा बात है, बताइए पहले बिना प्रूफ के हिजाब के लोग आ दिए। बोले अब ऐसे कोई कॉल हो गया, कहने के पहले आप हिजाब मोबाइल जाकर पूरे तहसील पर्सन में हल्ला कर दे मेरा नाम लेकर। मैं बोला नाम लेने से किसी को इल्जाम लगा, पहले प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ मिल जाए हमारे पास मुकदमा करिए, भैया कर जेल कराइए, मिल जाए प्रूफ बोले तुरंत तो सही कर, बोले सही कर पहले प्रूफ निकालिए। तुझा भाती भाती गाली बहन मारता रही, माधा चौथ बहुत सारे तुमको जान से मरवा देंगे, उसका तो मैं डर के फोन काट दिया। मैं बोलता रहा भैया आप गाली मत दीजिए, उसके बाद महाराज जी गाली देते रहे। इसके पहले भी घटना 2-3 बार हमारे चक्कर हमारे साथ हो चुका है, वो अपने आदमियों के साथ करा चुके हैं। ये वो भी आया अपनी माफी मांगा कि किस आरोप में हमको गाली दिए, किस आरोप में मारने की धमकी दी है, किस क्यों आरोप लगाया आखिर में। धरना प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों ने शांति भंग करने का प्रयास किया था, तो उसमें 151 में 3 टीम आई हुई थी और जो ये लोग आए हुए थे सफा जो अधिकारी लोग, उनकी मांग थी कि उनकी जमानत में दे रहा हूँ, उनकी जमानत मंजूर किया जाए। तो SDM को निर्देश दिया गया कि आप उनकी जमानत को देखें, नहीं मांग सर पर निर्णय लें। और SDM द्वारा शर्के पर बढ़ा गया है 5 लाख शर्के हुआ और उनकी जमानत को लेकर लिफ्ट दी गई है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जा रही है, जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। मामला जैसे हमारे संज्ञान में, मैं तो देर रात तक क्षेत्र से आया था और मैं देखूंगा इसमें क्या मामला है, कैसे क्या है, और अगर कहीं कुछ हुआ होगा तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, मैं कहीं से ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करता। अब क्या है, संजय जी तो पब्लिक बताएगी कि हमसे इतना मांगा, हमको आवाज़ चाहिए ना, हमसे पैसा मांगा जाता है, ये पब्लिक की शिकायतें हैं। और ये तो अब इसके जवाब तो सभासद लोग ही दे सकते हैं, चेयरमैन नगर पालिका ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, मैं कहीं से इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। और मामला मैंने ऐसा कहा कहने में सुना जाता है, इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करा दी जाती है कि ये शिकायत हो गई है। हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार की खास रिपोर्ट।